काफी देर राइड करने के बाद ना भाई अब झटके दे रही है बाइक। 1 लीटर मैंने पेट्रोल डाल दिया। सो गाइस फाइनली ना हमारी बाइक अब यहाँ तक ही चलेगी भाई। अब बताता हूँ मैं आपको फाइनल रिजल्ट क्या आया इसका। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शांति ब्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ यार सारे लोग बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। आज भाई बहुत सारे कमेंट्स आए मेरे को। एक मेरा भाई मेरी वीडियो को देख रहा था, पिछली वीडियो उसने देखी है भाई, उसने बोला था कि रिजर्व में ये 60 किलोमीटर चलती है, अब रिजर्व लगा के तो मैं नहीं चलूंगा, बट मैं आज इसको देखना चाहता हूँ कि ये 1 लीटर में कितने किलोमीटर चलती है। पेट्रोल इसका जो था मैंने निकाल दिया है, 1 लीटर पेट्रोल जो मैंने कैरी किया हुआ है, अदरवाइज ये तो 2 लीटर है। ये 2 लीटर की बॉटल मैंने तभी रखी क्योंकि हम थोड़ा दूर आए हैं, पेट्रोल पंप नहीं है यहाँ पे पास में, बट मैं आपको ना 1 लीटर वाली बॉटल भी दिखा देता हूँ। 1 लीटर वाली बॉटल भी हमने साथ में रखी है। इंजेक्टर में जो पेट्रोल होगा, अभी इंजेक्टर से खाली नहीं होता पेट्रोल, ये हमें बाइक चलानी पड़ती है, इसका जो इंजेक्टर है वो पूरा खाली करेंगे, उसके बाद ट्रिप भी जीरो कर दूंगा। आपके सामने रिजल्ट पता लग जाएगा आपको कितने किलोमीटर चलती है कि कितने किलोमीटर नहीं चलती। 1 लीटर पेट्रोल मैंने इसमें डाल दिया हुआ है, जो इंजेक्टर में बचा हुआ है ना भाई वो पहले उसको एम्प्टी करते हैं, उसके बाद ये डालता हूँ। हमें ना आगे जाना पड़ेगा, जाके देखते हैं जहाँ पे भाई मिसिंग करेगी भाई, तो जिधर भी कुछ भी होगा उधर हम ये डालेंगे। आज पूरी टंकी खाली करने के बाद ये डालूंगा। आपको बता देता हूँ भाई मैं बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा हूँ, ये आपको बताता हूँ क्यों ले रहा हूँ, ये चलते चलते बताता हूँ। तो गाइस फाइनली काफी देर राइड करने के बाद ना भाई अब झटके दे रही है बाइक, अब जाके फ्यूल लगता है खत्म हो रहा है जो इंजेक्टर में था। अभी देखते हैं गाइस कहां तक जाती है, अभी भी थोड़ी थोड़ी चल रही है यार। सो गाइस फाइनली अब हमारी बाइक ना बिल्कुल बंद हो गई है यार, बिल्कुल समझते हो, बिल्कुल बंद हो गई है, यहाँ से आगे अब स्टार्ट नहीं होगी। तो गाइस हम ज्यादा सेल्फ तो नहीं मारेंगे क्योंकि यार इंजेक्टर है इसमें पड़ा हुआ, आपको पता है यार फ्यूल इंजेक्टर है, उसकी वजह से यार उठने का चांस भी है, बट हम अभी ना पेट्रोल डालते हैं इसके बीच में। अब हमारे पास पेट्रोल तो है, पेट्रोल निकालना। बड़ी मुश्किल से यार सच में यार ये पेट्रोल खत्म ही नहीं हो रहा था यार, अब डालेंगे इसके बीच में हम पेट्रोल, देख सकते हो बिल्कुल ना बिल्कुल खाली हो गया हुआ है, बिल्कुल खाली है भाई। देखो अब डालता हूँ मैं 1 लीटर पेट्रोल इसमें भाई, ऐसे करते करते ना हम नौशहरा तक पहुंच गए थे। सो गाइस 1 लीटर मैंने पेट्रोल डाल दिया, ये ले बॉटल रख दे यार। सो गाइस अब स्टार्ट करते हैं भाई, अब टेस्टिंग हो रही है इसकी स्टार्ट, पेट्रोल हमने डाल दिया 1 लीटर, अब यहाँ से हम वापस टर्न करेंगे, अब भाई कितने किलोमीटर चलती है उतने किलोमीटर हम चलेंगे। हाँ ये थोड़ा सा रास्ता ना, जो ये रास्ता थोड़ा सा खराब है, तो एक सेकेंड भाई आप देखो अभी भी 1 लीटर में ये ना ब्लिंक कर रहा है, बट मैंने 1 लीटर पेट्रोल डाल दिया। अब मैं इसकी ट्रिप 1 कर दूँ, ट्रिप 2 0 हो गया 0। अब भाई चलते हैं, अब देखते हैं कि कितने किलोमीटर ये चलती है। बीच बीच में भाई मैं हाई स्पीड से भी चलाऊंगा, बीच बीच में इको मोड में भी चलाऊंगा, ज्यादातर ना मैं इसको इको मोड में चलाऊंगा, 80 और 90 की स्पीड में चलाऊंगा, 100 भी क्रॉस करेंगे, बट देखते हैं कि हर स्पीड में ये कितने तक चलती है भाई। जो मेंटेन स्पीड होती है ना उसके लिए भाई अलग ब्लॉग लेके आऊंगा, आप बोलना की एक ही स्पीड में 50 की स्पीड में है तो 50 की स्पीड में ही मैं अलग ब्लॉग लेके आऊंगा, बट मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं 50 की स्पीड में अभी ब्लॉग दूं, बट इसको हम ना अभी हर एक स्पीड से टेस्ट करेंगे कि कौन सी स्पीड में ये कहां तक जा सकती है ना। सो गाइस अभी ये थोड़ा सा रास्ता खराब है, इसके बाद भाई 80 और 90 के बीच बीच में ही रखूंगा मैं, 80 से नीचे नहीं आने दूंगा। ऐसे करते करते ना हम नौशहरा तक पहुंच गए थे, बट यहां का वेदर बहुत ही अच्छा है यार, जब से ये हाईवे बना ना तब से मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। कुछ भाई कमेंट्स पे बोल रहे थे कि माइलेज टेस्ट चाहिए भाई, उनकी डिमांड पे मैंने सोचा कि मैं माइलेज टेस्ट करता हूँ बुलेट की, क्यों ना मेरे को भी पता लग जाएगा कि ये कितनी माइलेज देता है, अब उनको भी पता लग जाएगा मेरी वीडियोस देख के। बस हाईवे आने वाला है, हाईवे पे हम भाई 5th गियर में ही चलेंगे, हम और गियर डाउन तो करेंगे नहीं, थोड़ा बहुत गंदा रास्ता आएगा बट
चलेगा इतना यार, इतना तो चलता है यार। सो गाइस अभी 1.5 किलोमीटर हो गई है। इनफील्ड वाले पता क्या बोलते हैं कि 42-41 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में हमारी बाइक माइलेज देती है, निकाल के देगी आपको। बट ये सच है कि नहीं सच है, अब मैं आपको बताऊंगा। आज मैंने भी कभी ट्राई नहीं करा पहले, है ना, आज मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। अब उनकी बात सच होती है नहीं होती। हाईवे पे हूँ भाई, फिफ्थ गियर में चला रहा हूँ मैं यहाँ पे, और इको मोड में ही चलाऊंगा, ना ज्यादा हाई स्पीड में और ना ज्यादा लो स्पीड में। सिर्फ माइलेज के मामले में ना भाई बुलेट बहुत अच्छा है यार। पर से ना भाई ये BS6 मॉडल जो इन्होंने अभी लॉन्च करा ना, जो अब इससे ऊपर भी एक मॉडल आ गया हुआ है, बट ये मैंने 1 साल पहले परचेज करा था। इसमें भाई बहुत ही रिफाइंड इंजन है, बहुत ही रिफाइंड, वाइब्रेशन तो बिल्कुल खत्म कर दी हुई है इन्होंने, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है भाई। अभी चल रही है 70-80 के बीच में, अभी भी हमारी बाइक 4 किलोमीटर चल चुकी है। यहाँ पे हमें करना पड़ेगा भाई गियर डाउन। भाई मैंने बुलेट परचेज करी थी ना, मैंने माइलेज के लिए नहीं थी परचेज करी, माइलेज मेरे को पता था कम ही देती है, इतनी ज्यादा माइलेज है नहीं है। बट इस बार इन्होंने खुद बोला कि हमारी जो BS6 मॉडल की बाइक्स है ना, वो सब माइलेज देती है भाई, 35-40 की तो वो बोलते हैं। अब गूगल क्या बोलता है, गूगल भी बोलता है कि 41-40। अब गूगल भी सच बोलता है नहीं बोलता ये भी पता लग जाएगा आज, कंपनी वाले सच बोलते हैं कि नहीं बोलते वो भी पता लग जाएगा आज। थोड़ा सा ना थॉटल देते हैं और स्पीड हाई करते हैं। 70 की स्पीड में चल रहा हूँ, अभी भी हमारी बाइक 5 किलोमीटर चल चुकी है, देख सकते हो आप 5.2 किलोमीटर। बीच बीच में हाई स्पीड में भी मैं चला रहा हूँ, अभी भी इको मोड में चल रही है। अब मैं आपको बीच बीच में ये भी बताता रहूंगा कि कितने किलोमीटर चल गई है। अगर मैं राइड करूंगा ना तो इको मोड में करूंगा। इको मोड में जस्ट आपको पता क्या पता लग जाता है कि आपकी बाइक इको मोड में ज्यादा माइलेज देती है। इको मोड से क्रॉस करोगे ना तो भाई फिर बाइक कम माइलेज देगी। 90-100 की स्पीड में देखते हैं कितनी ज्यादा हमारी भागती है बाइक, अभी भागती है कि नहीं भागती, आगे की तो जरूरी यार। भाई अभी 100 की स्पीड में चल रही है। ओ स्लो 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 स्लो। अभी बताता हूँ आपको मैं बाइक कितने किलोमीटर चल चुकी है। अभी 10 किलोमीटर चल चुकी है। इंजेक्टर वाला पेट्रोल है ना वो निकल रहा नहीं था यार, उसी के लिए हम लेट हो गए यार। खत्म करने के चक्कर में ना हम नुशारा तक पहुँच गए यार। भाई लोग क्या लगता है आपको कितने किलोमीटर चलेगी? मेरे को लगता है कि 40 किलोमीटर अगर उन्होंने बोला ना तो 35 किलोमीटर समझ के चलो। अगर तो भाई 40 किलोमीटर चल गई है तो फिर तो भाई बल्ले बल्ले है रॉयल एनफील्ड वालों की, फिर तो भाई यही बाइक परचेज करनी चाहिए। फिर तो आपको इस बाइक में सब कुछ मिल रहा है, कम्फर्ट भी मिल रहा है भाई, सीटिंग पोजीशन भी आपको अच्छी मिल रही है, यहाँ पे आपको माइलेज भी मिल रही है, और भाई 350cc इंजन भी मिल रहा है, और क्या चाहिए। आराम से आप इसको लॉन्ग राइड पे लेके जा सकते हो, है ना भाई। अब चल रही है 80 की स्पीड में, 80 से ज्यादा 90 तक जाती है, बट वो सीधी रोड होनी चाहिए। क्या रिएक्शन आते हैं इस बाइक के, शॉकिंग वाले जो प्रेस करती है हमें पता नहीं। ये अब 30 किलोमीटर क्या भाई, अब कितने किलोमीटर चली है ये? चल गई है 17 किलोमीटर। अभी भी स्मूथ है, अभी भी ऐसा वैसा कुछ है नहीं है कि झटके दिए हैं, बट एक झटका दिया था यार। सो गाइस झटके देना स्टार्ट कर गया। अब मैं थोड़ा ना हाईवे से हटके थोड़ा सिंगल रोड में आ गया हूँ भाई। सिंगल रोड में भी चला के देखते हैं, मैं हर तरीके से मैं चलाऊंगा भाई, सिंगल में भी चलाऊंगा, ऑफ रोडिंग भी थोड़ी बहुत करूंगा। यार ये तो बंद हो रही है अब यार। सो गाइस ये तो बड़ी जल्दी बंद हो रही है यार भाई, शॉकिंग रिजल्ट देने वाली है ये। सो गाइस अभी ना ये झटके मारना स्टार्ट कर गई है, अभी चली पता कितने किलोमीटर है, 23 किलोमीटर। कंपनी तो बहुत ज्यादा बोलती है यार, 40 किलोमीटर कंपनी हाईवे पे बोलती है ना। अब उसी हिसाब से देखते हैं हम यहाँ पे सिंगल रोड में कितनी माइलेज देती है, और 5 किलोमीटर और एक्स्ट्रा लगा लो भाई, स्लो करता हूँ ना झटके मारना स्टार्ट कर देती है। सो गाइस अभी चली है 24 किलोमीटर। सो गाइस आपने देखा ना कि हाईवे पे भी मैं गया हूँ भाई, हाईवे पे मैंने 20 किलोमीटर राइड करी है। यहाँ पे वापिस मैंने गोल टर्न ले लिया, यहाँ पे ना ऑफ रोडिंग थी भाई, खड्डे वड्डे थे, खड्डे वड्डे में से भी जाएंगे हम, दूसरा तीसरा गियर भी भाई लगाना नहीं लगाना, सिर्फ फिफ्थ गियर में थोड़ी चलते रहना भाई, ये ऑफ रोडिंग ऐसे करनी है भाई, खड्डे वड्डे भी देखने हैं फिर कितनी माइलेज देती है। माइलेज के चक्कर में अंधेरा पड़ गया यार भाई, झटके लगा रही है यार, ज्यादा नहीं चलेगी, मान के चलो 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर से ज्यादा मेरे को भी नहीं लगता। अभी चल चुकी है 26 किलोमीटर। क्या गाइस चल सकती है नहीं चल सकती भाई? चलेगी तो भाई ये अपनी डेवल, फिर चोमेश्वर है, फिर तो भाई ये लाइफ टाइम तक मेरे पास रहने
वाली है। अरे बोलते हैं बुलेट की माइलेज नहीं है, बुलेट की माइलेज नहीं है, आई पता लगेगा। आपका भाई देखो यार कैसी राइड कर रहा है भाई, गंदे रास्तों से भी लेके जा रहा है, हाईवे से भी लेके जा रहा है, फिर बताएगा कि कितनी माइलेज है। इस ब्लॉग में मेहनत लगी है गाइस, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है यार। आपके लिए तो 15 मिनट का ब्लॉग होता है, बट हमारे लिए ना एक दो दिन की मेहनत होती है भाई। अभी मैंने इस ब्लॉग को ना घर जाके एडिट भी करना है, बिकॉज हमारे पास एडिटर तो है नहीं है, हमें खुद ही करना पड़ता है भाई। अभी भी झटके लगा रही है, बट झटके में जितनी देर बंद नहीं ना होगी इतनी देर आपका भाई चलता रहेगा। प्रॉपर टेस्टिंग करने के बाद ही बताऊंगा ना जो इसका रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट भाई निकल के आता है लास्ट में, क्या रिजल्ट आता है, 30, 35, 40 जितना भी होगा बताऊंगा। इस चीज का मैं भी वेट कर रहा हूँ, अब मैं भी ये चीज आधे में छोड़ के जा नहीं सकता, चाहे अंधेरा पड़ जाएगा मैं आपको बताऊंगा कि जो माइलेज टेस्ट करने के बाद इसका क्या रिजल्ट आया, लास्ट में कितनी माइलेज दे सकता है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अंधेरा पड़ने वाला गाइस, कोई नहीं, मैनेज कर लेना। तो गाइस अभी देखते हैं हम हमारी बाइक कितनी चल चुकी है, 28 किलोमीटर। ये देखो आप 28 किलोमीटर चल चुकी है, अभी भी मेरे को उस चीज का वेट है, फाइनल रिजल्ट। अपनी डबल अपने को खुश करती है कि नहीं करती, करेगी यार। तो गाइस होने वाली है बंद अभी, तो गाइस लगता है बंद हो गई है। ओहो, तो गाइस इसने तो यार रिजल्ट थोड़ा शॉकिंग वाला दे दिया। चली 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 चली, सो गाइस ये फाइनली स्टॉप हो चुकी है। सो गाइस फाइनली ना हमारी बाइक अब यहाँ तक ही चलेगी भाई। अब बताता हूँ मैं आपको फाइनल रिजल्ट क्या आया इसका, कितने किलोमीटर हो गई है। लो भाई 28.7 किलोमीटर, अब खुद देख लो यार, 28.7 किलोमीटर की माइलेज दी है हमारी बाइक ने 1 लीटर पेट्रोल में। अब आप देख लो कि फाइनल रिजल्ट ये आया, बट आज प्रॉपर टेस्टिंग कर ली हमने, तो देख लो यार 28 किलोमीटर जो थी बाइक हमारी चल गई थी आज भाई। अभी आप हाईवे पे समझो 35 तक हाइवे में चल सकती है ये आराम से। सो गाइस आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, है ना, अच्छा लगा होगा ना, तो भाई फिर लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी बाइक कितनी कितनी माइलेज देती है। भाई मेरी बाइक ने तो इतनी माइलेज दी है आज। तो अब बहुत ज्यादा टाइम हो गया हुआ है, फिलहाल हम जाते हैं अब घर, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाकी जय श्री राम।